थर्मोडायनामिक्स के सेकंड पार्ट को करेंगे, सेकंड वीडियो जो है थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन द थर्मोडायनामिक्स। जो यूनिट हम थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर करेंगे, उस यूनिट के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। वन बाय वन हम उन टर्म्स को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी सिस्टम एंड सराउंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम और सराउंडिंग। द एरिया विच इज चूजन फॉर द थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन, हमने एक एरिया चूज कर लिया जिसके अंदर हम मेजर करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, कोई भी चीज थर्मोडायनामिक, हम उस एरिया को चूज कर लेते। दैट एरिया इज फॉर सिस्टम फॉर अस, वो एरिया जो है वो हमारे लिए सिस्टम होगा। तो हम सिस्टम की डेफिनेशन क्या देंगे, द एरिया चूजन फॉर थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन इज नॉन एज ए सिस्टम। ऑल अदर पार्ट अदर देन सिस्टम इन द यूनिवर्स इज नॉन एज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो गया, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। दोनों को मिला देंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट विल बिकम योर यूनिवर्स, वो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन प्रकार के सिस्टम हमारे पास हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने घर पर एक कप चाय बनाई, उस चाय के कप को आपने ओपनली रख दिया, एक दूसरे कप में आपने चाय डाली, उसको जो है ढक के रख दिया, उसके ऊपर कोई भी जो है पेपर कप जो है वो आपने उसके ऊपर रख दिया। तीसरा जो है आपने एक कप चाय को थर्मस बोतल के अंदर डाल के रख दिया। अब पहले वाला जो सिस्टम था उसमें क्या हो रहा है, भाप बन रही है चाय के अंदर से, वो सराउंडिंग में जा रही है, हीट, क्योंकि चाय गर्म है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी, और जो चाय है उससे हीट सराउंडिंग में जा रही है तो चाय ठंडी भी हो रही है। अब यहां पर दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, हीट भी और मैटर भी, मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, हीट ट्रांसफर हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अभी जब हमने उसके ऊपर कप कवर रख दिया चाय के ऊपर, तो वेपर ऊपर नहीं जा रही, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट हीट इज एक्सचेंज, चाय फिर भी ठंडी हो रही। थर्मस बोतल के अंदर चाय ठंडी नहीं होती, यहां पर दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं हो रही, ना हीट एक्सचेंज हो रही है ना मैटर, यही है आपके ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ए सिस्टम इन विच हीट एंड मैटर कैन नॉट, हीट एंड मैटर बोथ विल एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज नॉन एज ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम ए सिस्टम इन विच हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग बट नॉट मैटर, हीट जो है वो आपकी एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम ए सिस्टम इन विच हीट एंड मैटर बोथ कैन नॉट बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज नॉन एज ए आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन
तीन तरह के सिस्टम हमारे होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है? सिस्टम की वो कंडीशन जो हमने डिस्क्राइब की है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल और ए मेजरेबल प्रॉपर्टी। सिस्टम की वो कंडीशन जो कुछ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनके आधार पर हमने डिसाइड की है, डिस्क्राइब की है, उसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। बिकॉज इफ वी चेंज दिस प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज, सो दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। इन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट ऑफ सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? द कंडीशन ऑफ सिस्टम विच डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा इज नोन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। इफ यू चेंज दिस प्रॉपर्टी देन स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज। So these properties, these observable properties of system is known as state variables. State function क्या होता है? मैं नीचे गली में खड़ा हूं, मुझे छत के ऊपर जाना है। छत के ऊपर जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं सीढ़ियों से छत पे जा सकता हूं, मैं लिफ्ट से छत पे जा सकता हूं, मैं साउथ इंडियन हीरो की तरह जंप करके छत पे जा सकता हूं। ऐसा सिस्टम और ऐसा फंक्शन किसी सिस्टम का विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से छत पे गए। केवल एक चीज से मतलब है, आप नीचे खड़े थे और छत पे चले गए, बस उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे उसको? स्टेट फंक्शन। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट फंक्शन। आपका गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन, वर्क भी जो है वो आपका स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन विच डिपेंड ओनली और विच डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, आप किस तरीके से गए, सीढ़ियों से गए, लिफ्ट से गए या जंप करके, उसको पता होना चाहिए। विच डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज नोन एज पाथ फंक्शन। तो हमारे पास बच्चे दो चीजें होगी, एक तो स्टेट फंक्शन विच ओनली डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम, इनिशियल और ए फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, और दूसरा पाथ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ए सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज इन बल्क ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करे बल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट पे, उस सिस्टम को आप बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच इज बेस्ड अपॉन बल्क ऑफ मैटर इज नॉन एज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है भैया? आपकी इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी आर योर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट, कितनी अमाउंट हमने ली है उसके ऊपर डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नेचर नॉट ए अमाउंट ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मान लीजिए आपने चाय रखी, एक कप गर्म है, हीट फ्लो हो रहा है, सिस्टम तो श्रम है, धीरे धीरे चाय का टेम्परेचर कम होता जाएगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब जितनी हीट बाहर जा रही उतनी हीट अंदर आएगी, दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज नोन एज ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक इज नोन एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक प्रोसेस है भी कुछ आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, दोज प्रोसेस विच अकर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच no heat is exchange with surrounding, ना तो surrounding को heat दी जाएगी ना surrounding से heat ली जाएगी, ऐसी process को हम बोलेंगे adiabatic process। isochoric, iso मतलब same, choric मतलब volume, a process which occurred at constant volume, एक ऐसा process जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होती है, मैं लिख देता हूं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, नो हीट चेंज, कोई हीट चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर, यहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक, ए प्रोसेस इन विच no pressure is changed from system to surrounding, system से surrounding कोई pressure जो है वो change नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे isobaric process। reversible and irreversible process, a process which can occur in both sides, reactant to product and product to reactant, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस विच कैन अकर्ड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जानते, ठीक है। तो ये था भी आज का आपका टॉपिक। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा, जो नए बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब करने के बाद उनको प्लेलिस्ट मिलेगी भी, प्लेलिस्ट के अंदर हर एक यूनिट की वीडियोस आपको अलग अलग वहां पर मिल जाएंगी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक द चैनल।